हेलो गाइस, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक है पुलिस और पटवारी दोनों के लिए, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं पूरी आपको काउंटिंग ऑफ फिगर कैसे करने, सारे काउंट कैसे करने। सबसे पहले आज अपन जानेंगे त्रिभुज का, किसका जानेंगे, एंगल निकालना, कितने इसमें कितने त्रिभुज है, ये सारा निकालना जानेंगे अपन त्रिभुज के। आज अपना मेन टॉपिक है त्रिभुज का लिया है मैंने। इसके बाद जैसे जैसे होगा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये अलग अलग प्रकार के जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी एक साथ। आपके लिए मैं टाइप वन के क्वेश्चन लाया हूँ, यहाँ देखिए टाइप वन है, सिंपल आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आपने एग्जाम में देखे भी होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, हर बार मैंने भी देखने को मिला है। मैंने बहुत सारे पेपर सोल्व करवाए पिछले सालों के, तो उनमें मैंने देखा है आज दिन तक का जो स्कोर है वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप भी कमेंट में साथ में आंसर देते रहो जल्दी से। तो ऐसा एक त्रिभुज है, तो इसमें आप कितने त्रिभुज देख पा रहे होंगे, इसमें एक ही त्रिभुज है ना मात्र, ये मात्र एक ही क्या इसमें त्रिभुज है, तो इसमें क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ पर भी लिख दो वन, इसके अंदर वन लिखना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट, यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखा है तो इसमें वन टू हो गए, टू ऐसे काउंट कर दो और इसको जोड़ दो, वन प्लस टू कितने हो गए थ्री। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है। इसे गिन भी सकते हो पर गिनने में ज्यादा समय लगता है। देखो यहाँ पर मैं गिन के बता दूं, एक उसी प्रकार है दूसरा गिनोगे तो ये कितने हो गए दो, उसी प्रकार है बड़ा वाला हो गया एक कितने हो गए तीन, और समय क्या लगा आपका ज्यादा, और डायरेक्ट गिन लोगे वन टू तो कितना हो जाएगा वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको क्या करोगे वन टू थ्री इन्हें क्या कर दो जोड़ दो, तो वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा फटाफट से बताओ, वन और टू कितना हो गया थ्री, और थ्री को थ्री से प्लस किया कितने हो गए सिक्स, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए छह त्रिभुज हो गया। हुआ नहीं हुआ फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी से सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए मुझे कमेंट में, मैं कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर, ये कर दिया ओके, यहां तक समझ में आ गया। यहां क्या करोगे वन प्लस टू, टू प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर, इन्हें कर दो दोस्तों एड, क्या कर दो इन्हें जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे वन और टू कितने होते हैं थ्री, थ्री में थ्री को जोड़ा तो छह, छह और चार कितने हो गए फटाफट से कमेंट आना चाहिए, छह और चार कितने हो गए दस, तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर दस, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए दस त्रिभुज हो गए। तो ये अपना फर्स्ट टाइप था जो कि कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया, फटाफट से थम्स अप कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है अभी तक का जो पढ़ाया है वो बिल्कुल, टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे ठीक है। चलिए टाइप टू, टाइप टू के जो प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, एक बार समझ में आ गया मतलब क्लियर है। चलिए मैं करवा देता हूं यहाँ पर, ये है इसमें आप सभी को पता है कितने त्रिभुज है, यहां तक तो पहले भी मैंने बता दिया, तो यहाँ पर मात्र वन त्रिभुज है ओके, ये समझ आया। इसको काउंट कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, गिनो वन टू क्या है वन टू, आपको किसे करना है आपको स्तंभ में गिनना है, यानी कि आपको ऊर्ध्वाधर जो है वो गिनना है, ऊपर से काउंट करोगे नीचे आ जाओगे वन टू, तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे टू, तो यहाँ पर मात्र दो ही त्रिभुज है, कौन कौन से, एक तो ये बड़ा वाला और एक है छोटा वाला, हो गए दो त्रिभुज, तो वन टू, तो इस प्रकार गिनना है वन टू, और इसमें गिनना है वन टू और इनको जोड़ना है, और इसमें जोड़ना नहीं है इसमें मात्र गिनना है, ये याद रखिएगा दूसरी ट्रिक है आपकी। इसी प्रकार से गिनो वन टू थ्री, कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों जी कमेंट आना चाहिए फटाफट, जल्दी से कमेंट दे दो, जल्दी से कमेंट दे दो, एक साथ सभी का कमेंट आना चाहिए, तीन हो गया ना बिल्कुल तीन हो जाएगा बहुत अच्छा। चलिए से यहां पर फोर्थ क्वेश्चन है वन टू थ्री, क्या आएगा अगला चार, बिल्कुल आएगा ना, तो वन टू थ्री फोर क्या हो गया चार हो गया बिल्कुल एकदम, यहां पर चार त्रिभुज हो जाएंगे, तो इस प्रकार सारे त्रिभुज हो जाएंगे। अगला जो टाइप है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो चलिए आपका टाइप थ्री देख लेते हैं, यहां पर टाइप थ्री भी बिल्कुल सिंपल है और आसान प्रश्न है,
टाइप थ्री में कुछ नहीं करना जो अपने टाइप वन में और टाइप टू में किया था, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मिक्स कर दिया है, दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया। आपने देखा होगा टाइप वन के क्वेश्चन किस प्रकार के थे, टाइप वन के क्वेश्चन थे आपके इस प्रकार के, वो था एक तो टाइप टू के किस प्रकार के थे इस प्रकार के क्वेश्चन थे, दोनों को मैंने क्या किया मिक्स कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दो मान लो, तो इन दोनों को क्या कर दिया मैंने मिक्स कर दिया, जिस प्रकार ये तो है इसे ये वाला और दूसरा वाला ये वाला, ओके सिंपल वही है ना, वही है बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जी, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखो पर्सन कुछ क्या कर रहा है, पर्सन आपका इसमें करना है कैसे, यहाँ पर लिख लो वन टू, इधर भी लिखोगे वन टू लिख दिया, क्या करो इनको जोड़ दो या इनको जोड़ दो, तो वन और टू कितने हो गए थ्री, वन और टू कितने हो गए थ्री, तो कितने आ गए टोटल सिक्स, आया नहीं आया ये है आपका आंसर। इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको इतना नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा बुक से पढ़ा होगा कुछ अलग ट्रिक देखी होगी, नहीं वो ट्रिक नहीं लगानी, करना है यहाँ पर वन और टू को जोड़ो, कितना आया वन और टू को जोड़ा कितना आ गया थ्री आ गया, जितने क्षैतिज रेखा है ऊपर जितने क्षैतिज रेखा है ऐसे तो उनको आप यहाँ कर दोगे एक गुणा, क्षैतिज रेखा गुणा कर दो तो वन टू कितनी है दो, तो कितना आ जाएगा आंसर छह। तो आपकी ट्रिक समझ लीजिए यहाँ पर क्या है ट्रिक, जानिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ पर जो त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज आएंगे जोड़ने पर योग, तो त्रिभुज काउंट करने का क्या है योग इंटू क्या करोगे क्षैतिज रेखा इंटू क्या कर दोगे क्षैतिज रेखा से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका रूल है समझ लीजिए। तो चलिए इसका बताते हैं, सिंपल है बिल्कुल आसान समझ रहे, वन टू थ्री आ गया, एक को जोड़ दो और सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहां पर वन टू थ्री कितना आ जाएगा थ्री और टू फाइव, फाइव और वन सिक्स छह हो गए, छह क्या करो यहां पर लिख दो क्षैतिज रेखा कितनी है गिनो, वन टू थ्री तीन है, तीन है तो यहां पर क्या कर दो तीन से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा छह दिया अठारह, आंसर आया नहीं आया फटाफट से कमेंट आना चाहिए, आंसर आ रहा है सभी का जी फटाफट से तब सब कर दो तो फिर आ रहा है तो। चलिए अगला प्रश्न देखो, करो आप इस प्रश्न को जल्दी से कमेंट आंसर दे दो, एक मिनट का समय मिलता है आपको फटाफट से आंसर दो कमेंट में। चलिए वन टू थ्री, थ्री हो गया ऊपर क्या करो इसको वन टू थ्री मैंने लिख दिया कितना हो गया सिक्स, छह हो गया पर क्षैतिज रेखा कितनी है वन टू, दो है दो से कर दो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बारह, आसान है नहीं है, आसान है नहीं है फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का जी दोस्तों फटाफट से आंसर दो। चलिए अगला मैं करवा देता हूं आपको, टाइप फोर है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही मस्त गजब का प्रश्न है, आप देखोगे कि सर आपने बहुत शानदार प्रश्न करवाया है, पांच का प्रश्न आपको नहीं आता होगा, देखो इतना कठिन प्रश्न आपको लग रहा होगा नहीं बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, किस प्रकार है सिंपल, चलिए मैं करवाता हूं आपको, पहले ये करोगे तभी ये समझ में आएगी, नहीं तो कुछ ही नहीं, जीरो अटा सन्नाटा, पर वो नहीं चाहिए अपन को, उस नाम को अपने को लेना ही नहीं है, क्योंकि अपन को चाहिए राजस्थान पुलिस और पटवारी में इस बार जो, और वो लक्ष्य अपना होना चाहिए तभी आपको जो मिलेगी, और मेरी गारंटी है मेरे साथ बने रहो आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होने वाला इस बार। चले इसको गिनो वन टू थ्री फोर कितने हो गए जल्दी से जवाब आना चाहिए, चार त्रिभुज हो गए आप हुए नहीं हुए गिनो वन टू थ्री और एक बीच वाला चार हो गए ना, चार हो गया और एक बड़ा वाला कितने हो गए चार लिखो प्लस एक बड़ा वाला कितने हो गए पांच हो गए ना दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाए तो कितने होते हैं चार त्रिभुज होते हैं, ये आपको हमेशा ऑलवेज याद रखना है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाए तो चार होते हैं और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और आ जाए तो भी चार होते हैं उसके भी, जिस प्रकार आगे देखोगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ गया मतलब समझ लीजिए इसका कितने हो गए चार हो गए, उसके फिर इसके त्रिभुज के इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आया तो इसका चार हो गया, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आया तो इसका चार हो गया, चार चार हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, हुआ नहीं हुआ कमेंट करो जल्दी से हुआ या नहीं हुआ, किन लोगों से आप यहाँ पर एक दो तीन
चार, उसी प्रकार पांच छ सात और ये आठ और एक बड़ा वाला नौ, गिन सकते हो, गिनने की बात आपको जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। जहां तक बात रही सवाल की, आ गया नौ, किस किस विद्यार्थी को समझ में आ गया मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर मुझे समझ में आया, ऐसे रीजनिंग मुझे डेली पढ़नी, कमेंट आना चाहिए इस प्रकार का मुझे। अगला है गिनो, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ रहा है एक, पहले लिख दो चार, आ गया, उसके अंदर भी आ रहा है चार लिख दो, उसके अंदर भी आ रहा है चार लिख दो, कितने हो गए, गिन लो इनको, और एक बड़ा वाला तो है ऐसे ही आप सबको पता है, इन सबको करके एक प्लस कर देना है। तो चार प्लस चार प्लस चार प्लस वन कितना हो गया, चार प्लस बारह, बारह और एक तेरह, जी बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल एकदम थम्स अप कर दो दोस्तों, मुझे मजा आ गया और आपको भी आना चाहिए, बिल्कुल सभी दोस्तों का मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार कि सभी का आंसर आ रहा है सही। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं यहाँ पर, फटाफट से देखिए आपका क्वेश्चन है आपके सामने, जी बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो कि एग्जाम सभी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले फेवरेट क्वेश्चनों में से एक आपका फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए ये तो आपने जो इसमें है इसमें कुछ भी नहीं है, पहला वाला ही है, ये आपने किया ही था पहले वाला, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तो आपने किया था, इसमें कितने होते हैं, अंदर चार होते हैं और एक बड़ा वाला, कितने होते हैं पांच होते हैं, ये आपने देख लिया था कि सर हाँ ये पांच ही होता था, हमने देख लिया था, तो आपने पांच देख लिया था तो बिल्कुल इसका तो हो जाएगा चार, हो गया इसका चार, अंदर एक त्रिभुज आ जाएगा, हमेशा आपको चार रखना है, पर यहाँ पर एक और किया गया है, क्या किया गया है देखो, वन टू थ्री फोर, उसी प्रकार देखोगे फाइव सिक्स, कितने एक्स्ट्रा आ गए, छह एक्स्ट्रा आ गए, तो मैं क्या जोड़ दूंगा यहाँ छह, और ये कौन सा है, ये बार वाला बड़ा वाला, कौन सा वाला है, एक बड़ा वाला, कितने हो गए प्लस वन, कितने हो जाएंगे फटाफट से कमेंट आना चाहिए, कितने हो गए टोटल ग्यारह, हुए नहीं हुए थम्स अप करो एक बार कर दीजिए, मुझे पता लगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तुरंत आंसर आना चाहिए सभी का, तुरंत आंसर हो जल्दी से कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, उसी प्रकार चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चार हो गया, बार वाला एक, उसके अंदर भी एक और है, चार हो गया, उसके बाद इसको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या लिख दूंगा मैं, फोर और फोर तो हो गया, ओके देखिए यहाँ पर चार और चार ये तो हो गए दोनों, इसके बाद छह है तो छह भी लिख दी, एक बड़ा वाला ये तो आपको हमेशा ऐड करना है, कितना हो गया जल्दी से आंसर दो, फिर ये बताऊंगा आपको शानदार ट्रिक के साथ, आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्रिक बताऊंगा नंबर वन, देखो चार और चार कितने हो गए, पहले जोड़ दो दस हो गए, दस और ये पंद्रह, हुए नहीं हुए कमेंट में आंसर आना चाहिए, फटाफट से कमेंट आंसर आना चाहिए कि सर हो गया, फटाफट से मुझे प्यारा लगेगा यदि आप सभी आंसर देते हो तो मुझे विश्वास होगा कि मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ में आएगा, तो आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दो मुझे ताकि अच्छा लगे, फटाफट से जल्दी से आंसर आना चाहिए जी। चलिए आपके लिए एक शानदार और नंबर वन क्वेश्चन आया हूं, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सबमिट आकर दिए गिनो, एक दो तीन, इसी प्रकार से गिनो, एक दो तीन, तीन आ रही है इधर और इधर सभी जगह तीन तीन आ जाए तो आगे क्या होती है सममित आकृति होती है, सममित आकृति होती है उसका क्या करना होता है, चलिए मैं बताऊंगा, इधर लिख दीजिए क्या, चलिए यहां पर लिख दीजिए वन टू थ्री, लिख दिया है क्या आपने, जल्दी से कमेंट करो सर लिख दिया, इसको क्या करो इसको इधर लिखो वन, आपने पढ़ा होगा टेंथ में, उसी प्रकार क्या करना है इसको यहां पर लिखना है और इसको इधर लिख देना है, वन को इसमें वन को वन लिखना है, वन को वन लिखना है, उसके बाद करना है वन को टू में जोड़ो और इधर लिखो तीन आ गया, अब क्या करोगे तीन को तीन में क्या करोगे ऐड करोगे और उसको क्या करोगे इधर लिखोगे जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, कितना हो गया सिक्स, हुआ नहीं हुआ सिक्स हो गया ना, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल सिक्स हो गया, इन्हें क्या कर दो इन्हें क्या कर दो इन्हें कर दो ऐड, फटाफट से ऐड करो जल्दी से ऐड कर दो मुझे प्यारा लगेगा, तो छह और तीन कितने हो गए नौ, नौ एक दस, दस तो हो गया दस हो गया, दस आंसर नहीं है, क्या करोगे इसको चलिए ऊपर तीर लगा दीजिए,
जो पहला नंबर आ जाए यानी कि जो पहला आ जाए उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को पिकअप कर लेंगे। यानी कि एक मतलब आप यदि कोई भी चला रहे हो, आपके पास फोर व्हीलर है और आप जा रहे हो कहीं, एक आदमी को आप लेते हो रास्ते में से, पहले वाले को तो छोड़ देते हो, दूसरे वाला कोई आता है लिफ्ट मांगता है, आप बोलते हो बैठ जाओ, तीसरा वाला फिर आता है उससे बोलते हो जगह नहीं है, चौथा वाला आता है फिर आपको सोच के सोचते हो कि बैठा लेता हूँ, तो चौथे वाले को बैठा होगा, मतलब फिर पांचवे में चलेंगे, पांचवे को नहीं बैठाएंगे, छठे वाले को बैठाएंगे, यानी कि सब वाले को उठाएंगे यहाँ से। तो आपका यहाँ पर तीन देंगे, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो तीन को क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे, तो दस और तीन कितने हो गए तेरह, हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, कमेंट आना चाहिए, आंसर आया नहीं आया, नहीं आया हो कमेंट में कर दो, आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार चलोगे वन टू थ्री फोर, कितने हो गए चार हो गए ना, उसी प्रकार नीचे देखो वन टू थ्री फोर, चार चार हो रहा है सब जगह, तो क्या करोगे, सिंपल है, साधारण है बिल्कुल, यहां लिख लो वन टू थ्री फोर, जिस प्रकार ये किया है, ये जिस प्रकार किया है उसको भी उस प्रकार ही करना है, जानो यहाँ पर वन को वन लिखोगे, वन को इधर जोड़ोगे और इधर क्या कर दोगे लिख दोगे ऐड करके, तो थ्री हो जाएगा, थ्री को इधर थ्री में करोगे ऐड और यहाँ पर लिख दोगे कितने हो गए सिक्स, फटाफट आंसर आना चाहिए, मुझे प्यारा लगता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक की मैं नहीं बोलूंगा, पसंद आए तो करना है, नहीं आए तो नहीं करना है लाइक, चोरी मर्जी का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर लाइक करना, सब्सक्राइब भी तभी करना है, पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले छह को चार भी जोड़ोगे तो दस हो जाएगा, अब इन्हें क्या कर दो ऐड कर दो, दस और छह फटाफट से बताओ सोलह आ गया ना, सोलह आ गया, सोलह और तीन कितने होते हैं, सोलह तीन उन्नीस, उन्नीस और एक बीस, बिल्कुल दोस्तों जी, कमेंट आ रहा है सभी को देख पा रहा हूं, तो 20 हो गया, बहुत अच्छा। उसी प्रकार क्या करोगे, यहां से पिकअप करना है गाड़ी में, इसको क्या करेंगे पहले वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को ले लेंगे क्योंकि अपने पास जगह है, अपन ने सोच लिया तैयार ही, उसके बाद वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को फिर ले लेंगे, तो कितने ले लिए छह और एक कितने हो गए सात, तो सात ले लिए यानी कि कितने हो गए 27, होते हैं नहीं होते हैं 27, आ गया ना समझ में, समझ में आ गया, तो मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करवाता हूँ, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो ट्रेंगल में से नहीं बनेगा, उसके बाद भी कोई डाउट आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए आपके लिए एक डायग्राम देता हूं, उसको जल्दी से आपसे भी लोग बना लेना। चलिए यहां पर मैं एक बड़ा सारा बनाता हूं, प्यारा लगेगा आपको, एक क्वेश्चन देखने को मिला भी होगा, देखो वन टू थ्री, ठीक है ये बना लिया, इसी प्रकार का था, तो यहां देखो ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जामों में, क्या था ऐसा आता है, आता है नहीं आता है, जल्दी से कमेंट करते रहो जी, बिल्कुल कमेंट आना चाहिए सभी का, हो गया ये बन गया, इस प्रकार आपको बनाना है, किस प्रकार मैं तो बना लेता हूं, तो आपको अलग इस तरह से आता हो तो वो बना लो और आप लिख लो कॉपी में, हो गया ना, अब इसको किस प्रकार करोगे, चलिए मैं बताता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो रहा है, क्या करो फाइव हो रहा है तो यहां पर लिख लो वन टू थ्री फोर फाइव, लिख दिया ना, ये बात समझ में आ गई ना सभी को, एकदम सटीक आनी चाहिए, वन को क्या करोगे वन लिख दोगे, वन को इसमें ऐड करोगे टू लिख दोगे, सॉरी थ्री लिख दोगे, थ्री को इसमें ऐड करोगे क्या लिखोगे जल्दी सिक्स, सिक्स को इसमें ऐड करो जल्दी, कितना आ गया दस, दस को कर दो पांच में ऐड, कितना आएगा पंद्रह, आया नहीं आया, आ गया ना, इसको ऐड करो जल्दी से, पंद्रह और दस कितने हो गए पच्चीस,
पच्चीस और छह इकतीस, इकतीस और तीन तीन, इकतीस और तीन चौतीस, चौतीस और एक पैंतीस। जी बिल्कुल बहुत अच्छा, इसको ले चलो ऐसे, पहले वाले को छोड़ दो क्योंकि अपना मन नहीं है गाड़ी बैठाने का, तो मैं क्या करता हूँ छोड़ देता हूँ। उसी प्रकार इसको बैठा लूंगा, उसी प्रकार इसको क्या करूंगा छोड़ दूंगा क्योंकि मन नहीं है फिर भी, फिर बार बार में लिफ्ट मांग रहे हैं तो फिर मैं क्या करूंगा इसको फिर पिकअप कर दूंगा, जिसमें गुणा करता जा रहा हूँ उसको मैं लेता जा रहा हूँ, उसी प्रकार इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो कितना हो गया दस और तीन तेरह, कितना आ गया अड़तालीस, आया नहीं आया जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर हमें समझ में आ गया, बता दो जल्दी से कि सर हमें समझ में आ गया। ट्रेंगर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आराम से करोगे। एक बार वीडियो समझ में नहीं आती देखने पर तो वीडियो को क्या करो दोबारा से देख लो, क्योंकि अपना ही है नेट ही तो खर्च होगा, बस समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आए तो कमेंट करो, मेरे मोबाइल नंबर है इसमें मैसेज कर दो, फिर भी समझ में नहीं आए तो 8290372359 ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करोगे, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप क्लिक करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दोगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने विद्यार्थी उसमें भी जुड़ जाना, और आपको डाउट होती है तो उस ग्रुप में भी पूछ सकते हो डिस्कशन करके, वहां पर बातें ज्यादा नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे सिर्फ, पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया जाता है क्योंकि पीडीएफ वगैरह होती है तो वहां पर मैं शेयर कर देता हूँ, कोई भी आता है नया। तो आज बताओ क्लास कैसी रही आज की सारे दिन की, ये क्लास आपके लिए बहुत ही प्यारी क्लास थी, तो हमने बताया आपको ये आज कि रीजनिंग में ट्रायंगुलर कैसे काउंट किया जाता है, ये आपका टॉपिक है तो आपसे मेरे सिलेबस देखा होगा, तो टॉपिक भी है सिलेबस में। ठीक है, मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा आप सभी को, बहुत ही प्यारी क्लास रहेगी। और कल पढ़ेंगे हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, दोनों की सेम ट्रिक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो कल पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। बिल्कुल दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, फटाफट से लाइक वगैरह कर देना। जी दोस्तों धन्यवाद।